मनुष्य कहते हैं कि लोकप्रियता अपनी कीमत वसूलती है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों ही अपने क्षेत्र में बेहद कामयाब रह चुके हैं, तो क्या उन्हें भी अपनी कामयाबी की किसी तरह की कीमत चुकानी पड़ी है? ऐसा ही संबंध में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार मैं जब भी प्राय डॉक्टर बच्चन जी के यहाँ जाता था, तो उस समय अमिताभ जी की बेटी श्वेता 3-4 वर्ष की होती थी, और जब तक डॉक्टर साहब या घर का कोई और सदस्य नहीं आता था तो प्राय सबसे पहले उसी से भेंट होती थी, और वह जो है जब तक कोई और घर का सदस्य आता तब तक वे मुझसे बात करती रहती थी। धीरे धीरे मुझे उसके प्रति काफ़ी स्नेह हो गया था, इसलिए आगे चल करके जब मैंने अधखिला फूल नामक अपना कहानी संग्रह प्रकाशित करवाने लगा तो मेरे मन में विचार आया कि मैं श्वेता की फ़ोटो जो है उस कहानी संग्रह में मुख पृष्ठ पर दूं, क्योंकि वह कहानी संग्रह भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित था और उसमें बच्चों के लिए ही कहानियाँ जो है लिखी गई थी। इसलिए मैंने डॉक्टर बच्चन को एक पत्र लिख करके और अपना इरादा बतलाते हुए श्वेता के एक चित्र की मांग की। उन्होंने पहले एक संक्षिप्त सा उत्तर दे दिया और कहा कि ये चित्र मैं दे सकने में असमर्थ हूँ, यहाँ केवल जया और अमिताभ के ही चित्र जो हैं बनते हैं। मैंने जब पुनः आग्रह किया और एक और पत्र उनको लिख दिया कि मुझे श्वेता का चित्र जो है किस लिए चाहिए, तो इसके जवाब में डॉक्टर बच्चन ने मुझे एक बहुत ही विस्तृत लगभग 4 पृष्ठ का पत्र लिखा और उसके माध्यम से बतलाने की चेष्टा की कि प्रसिद्धि और समृद्ध होने की क्या कीमत उन्हें और उनके परिवार को चुकानी पड़ रही है। ये 3 मार्च 1979 को लिखे गए अपने पत्र में उन्होंने लिखा, इस देश में प्रसिद्ध होना और साथ ही समृद्ध होना भारी अभिशाप है। हमारे यहाँ गुमनाम चिट्ठियाँ आती हैं कि 2 लाख रुपए दो नहीं तो तुम्हारे बच्चे गायब कर दिए जाएंगे, या तुम्हारे बच्चों को गायब कर देने का प्लॉट बन चुका है, हमें 2 लाख रुपए दो तो हम उन्हें बचा सकते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी हालत में हम किस मानसिक तनाव में रहते हैं और बच्चों को किस कदर देखरेख कर सकते हैं उसको तुम नहीं समझ सकते। जब हम श्वेता और अभिषेक की तस्वीरें छापकर उनके लिए ये काम सरल कर दें, तस्वीरें कहाँ कहाँ नहीं पहुँचेंगी। तुम समझते हो माधुरी में छपी तस्वीरें हमने भेजी हैं, किसी ने कहीं पर हमसे पूछे बिना छाप दी। इस देश में इतनी उच्छृंखलता है कि किसी को प्राइवेसी की फिक्र नहीं रह गई है। बस चले तो ये लोग अमिताभ के टॉयलेट जाने की तस्वीरें भी छाप दें। आज की ही बात है, अमिताभ के दांत में दर्द था, वे डेंटिस्ट के यहाँ गए। जाहिर है कि डेंटिस्ट घर पर आकर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। 5-6 हज़ार आदमियों ने डेंटिस्ट की दुकान घेर ली और अमिताभ के लिए मुश्किल हो गया कि दुकान से उतरकर अपनी कार तक जा सके। अंत में पुलिस बुलाई गई और तब किसी तरह अमिताभ घर पहुंचे। लोकप्रियता की यह कीमत मांगता है यह देश। जहां तक मुझे मालूम है इस घर में श्वेता की तस्वीरों का कोई एल्बम नहीं है, कम से कम मैंने तो नहीं देखा। और तस्वीरें तुम्हें भेजने की सिर्फ बात नहीं है, हम जानते हैं कि तस्वीर तुम किताब में छापोगे, फिर हम श्वेता का चित्र
वितरित करने से डरते हैं। इस और ऐसा अकारण नहीं है, हमें बच्चों की सुरक्षा का हर प्रकार से प्रयत्न करना है। कुछ लोग इससे नाराज होते हैं तो उन्हें नाराज करके भी। तो इस प्रकार जो है डॉक्टर बच्चन जी ने समय समय पर बतलाया कि कैसे जो है उन्हें प्रसिद्धि की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यही बात वे अमिताभ बच्चन के संबंध में भी कहते हैं, जब उनका नाम जो है राजीव गांधी के साथ साथ बोफोर्स की दलाली के संबंध में उछला, तो उन्होंने यही कहा कि अमिताभ जो राजनीति में गए और अमिताभ जो इतने प्रसिद्ध हैं, इसी वजह से उनका इस सौदे में नाम लिया जा रहा है, जबकि उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं थी।